तो वहीं राहुल गांधी पर ईडी की कार्रवाई और अग्निपथ के मुद्दे पर कांग्रेस खुलकर मैदान में सामने आ गई है। इसी के चलते आज हरियाणा कांग्रेस के सभी विधायकों ने चंडीगढ़ की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान के नेतृत्व में निकाला गया, जहां राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन राज्यपाल उस समय राजभवन में नहीं थे। इसके चलते अधिकारियों को राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ईडी कार्रवाई हुई श्रीमती सोनिया गांधी को और राहुल गांधी जी का हमारे शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ, वो राजनीतिक विरोध से है, इस वास्ते उसको वापस लिया जाए। दूसरा ज्ञापन हमने दिया है राष्ट्रपति जी के लिए, जो अग्निपथ ये जो फौज में भर्ती करने का जो इन्होंने बनाया है 4 साल के बाद घर भेजने का, जो सरकार 1 रैंक 1 पेंशन की बात करती थी, आज 9 रैंक 9 पेंशन की बात करने लगी। राहुल गांधी जी के साथ ईडी को एक हथियार बना करके जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, डेली 10-10 घंटे तक उनसे पूछताछ के नाम से उनको हरास किया जा रहा है, उसके विरोध में ये आज रोस मार्च था और ज्ञापन था। दूसरा, जो अग्निपथ योजना ये लेकर के आए, जिससे आज पूरे देश में पूरा ये अग्निपथ कर क्या ये अग्निवीर बोल रहे हैं, तो सारा देश ये आग में झोंकने की तैयारी करने में लगे हुए, आज पूरा युवा आक्रोशित है।